हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर गाइस आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2017 थाउजेंड सेवेंटीन टू का जो पेपर है उसका हम यहां पे क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन इज इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ टू ए इज सेवन एंड प्लस वन रेशियो फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन देन फाइंड रेश ऑफ देयर नाइन्थ टर्म तो हमें यहाँ पे सम का गिवन है एन टर्म के सम का रेशियो में गिवन है और हमें दोनों बट so, भी भी यहाँ ऑफ देर नाइन की जगह दिया हुआ है एम को तो so, चाहे ये क्वेश्चन है चाहे वो क्वेश्चन है आपको दोनों सेम मैथड से सोल्व करना है अगर मैं यहाँ पे नाइन से सोल्व कराऊंगी आपको एम पुट कर लेना है तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे टू ए पी गिवन है और दोनों ए पी में एन टर्म्स हैं तो दो अलग अलग ए पी है बट उसमें टर्म्स जो है वो एन है टर्म्स हमारा सेम है यानी कि हमने लेट कि किया हमने ट्वेंटी टर्म्स का सम किया है उनका रेशियो ये आ रहा है तो दो ए पी है इसलिए हमने यहां पे लेट कर लिया कि हमारे पास दो ए पी है और जिसमें एन टर्म्स है तो जो फर्स्ट ए पी है उसका फर्स्ट टर्म हमने ए वन ले लिया कॉमन डिफरेंस हमने डी वन ले लिया क्योंकि ये हमें गिवन नहीं है अगर हमें गिवन है तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे नहीं गिवन है तो आपको यहाँ पे लेट करके बताना है कि लेट जो फर्स्ट एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए वन कॉमन डिफरेंस डी वन है और उसकी फर्स्ट एन टर्म का जो सम है वो हमारा उसको हम एस वन से डिनोट करते हैं और जो हमारी सेकेंड एपी है उसका फर्स्ट टर्म हमने ए टू ले लिया कॉमन डिफरेंस हमने डी टू ले लिया और सम ऑफ जो उसकी एंड टर्म्स का जो सम है उसको हमने एस टू ले लिया अब हमें यहाँ पे सम का रेशियो गिवन है तो हमें यहाँ पे सम का फॉर्मूला पता है कि किसी भी ए पी के सम को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन एन डी ये हमारा फार्मूला होता है इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो हमारी फर्स्ट एपी है उसका सम हमारा यहाँ पे कैसे डिनोट हो रहा है एस वन तो ये हमने एस वन ले लिया फर्स्ट टर्म के फर्स्ट एपी के लिए हम देखते तो फर्स्ट टर्म हमारी ए वन है और एन दोनों के लिए सेम है एंड टर्म का सम है एन सेम है तो एन हमारा एन बाय टू ही रहेगा टू फर्स्ट टर्म इसकी ए वन है तो ए की जगह हमने ए वन पुट कर लिया प्लस एन माइनस वन और इसकी कॉमन डिफरेंस हमारा है डी वन और एस टू सेकेंड ए पी के लिए भी हम यहाँ पे सम फाइंड कर लेते हैं एंड टर्म का तो ये एन बाय टू हो गया टू ए टू फर्स्ट टर्म हमारी ए टू प्लस एन माइनस वन और कॉमन डिफरेंस हमारा है डी टू तो इन दोनों का जो हमें यहाँ पर रेशियो है वो गिवन है दोनों ए पी के सम का रेशियो हमें गिवन है कि एस वन अपॉन एस टू ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इक्वल टू सेवन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन ये देखो आप क्वेश्चन को फिर से देखो ये हमें दोनों ए पी का जो रेशियो है वो गिवन है सेवन एन प्लस वन रेशियो फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन तो हम रेशियो को डिवाइड में डिवाइड कर सकते हैं तो ये हमें यहाँ पे गिवन है और हमें यहाँ पे टर्म का रेशियो नाइन्थ टर्म का दोनों ए पी के नाइन्थ टर्म का क्या रेशियो होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं एस वन एस टू की वैल्यू पुट कर लें तो दिस एम्प्लाइज एस वन की जगह हमने पुट किया एन बाई टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन डिवाइडेड बाय एस टू की जगह हमने पुट किया एन बाय टू टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू इक्वल टू राइट साइड हमारा सेम रहेगा सेवन एन प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन अब अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है तो एन बाई टू से एन बाय टू हमारा पूरा कैंसिल हो गया ये पूरी एक टर्म को लेके जैसे टू यहाँ होता है टू यहाँ होता कैंसिल हो गया सेम एन बाई टू भी यहाँ सेम है तो ये हमारा कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग हमारा यहाँ पे क्या बच गया टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन डिवाइडेड बाय टू ए टू प्लस एन माइनस वन इन टू डी टू तो अब यहाँ पे हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है ये चीज़ आप अच्छे से समझना हमें यहाँ पे टर्म का रेशियो फाइंड करना है कि नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या होगा तो देखो यहाँ पे टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला जो होता है वो हमारा होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये हमारा फॉर्मूला होता है तो ये लेकिन ये इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में देखो क्या डिफरेंस आ रहा है यहां ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी आ रहा है और यहां टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर है तो हमें क्या करना है क्योंकि ये ये सम वाला फार्मूला था ये हमारा कैंसिल हो गया इस फार्मूले को हमें टर्म वाले फॉर्मूले में चेंज करना है तो यहाँ टू को हमें हटाना है तो टू को हटाना है तो आप यहाँ पे क्या करो टू से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हमें डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म जो हमारी फर्स्ट ए है उसके नाइन्थ टर्म और जो सेकेंड ए है उसके नाइन्थ टर्म का रेशियो चाहिए तो टर्म का फॉर्मूला हमारा ये है तो हमारा ए हमारे देखो एन माइनस वन डी वन एन माइनस वन डी टू तो हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग राइट right है बट ए चाहिए हमें और यहां हमारा टू ए वन है इसीलिए हम यहाँ पे टू से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं ओके okay. तो इस तरह से मैंने ये टू न्यूमरेटर में भी न्यूमरेटर की जो हमारी टर्म थी उसके डिवाइड में भी लिख लिया और डिनोमिनेटर की जो हमारी टर्म थी उसके डिवाइड में भी हमने यहाँ पे राइट कर लिया अब ये हमारी दो टर्म है न्यूमरेटर में एक टर्म हमारी ये है दूसरी टर्म हमारी है तो टू को हम एक बार इसके साथ एक बार इसके सेपरेट कर देते हैं क्योंकि एल्सियम लेने पर हमारी ये टर्म आती है तो हमने टू को इसके साथ अलग कर देते हैं इसके साथ अलग कर देते हैं तो ये हमारी टर्म हो जाएगी टू ए वन डिवाइडेड बाई टू प्लस एन माइनस वन डी वन डिवाइडेड बाई टू इस तरह से हम राइट कर सकते हैं और ये हो गया टू अगर आप एल्सियम लोगे तो फिर से हमारी यही टर्म आ जाएगी तो हम यहाँ पे डिवाइड करें टू ए टू डिवाइडेड बाई टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो गया राइट एंड साइड हमारा यहाँ पे सेम है फोर एंड प्लस ट्वेंटी सेवन तो अब आप यहाँ पे देखो न्यूमरेटर से हमारा क्या बचा ए वन प्लस क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है टर्म का ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी है तो ए और डी को हम यहाँ सेम रख रहे हैं जो भी एक्स्ट्रा है वो इस ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं तो ये हो गया हमारा एन माइनस वन टू हमने इसके साथ ले लिया क्या अभी तो हमारा फॉर्मूला रहेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ये हमारा एन माइनस वन है डिवाइडेड बाय ए टू प्लस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू डी टू इक्वल टू सेवन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन हो गया अब इसके बाद यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है अब ये कोई सॉल्व नहीं हो रहा अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा था कि क्योंकि हमारा ये देखो टर्म की फॉर्म में हो गया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो हमारा फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया नाउ वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ नाइन्थ टर्म अब हमें यहां पर इस क्वेश्चन में क्या फाइन करना है नाइन्थ टर्म का रेशियो यहां पर फाइन करना है तो नाइन्थ टर्म का रेशियो फाइंड करने के लिए हमें ये जो हमारी फर्स्ट ए पी है ये वाली और ये वाली तो नाइन्थ टर्म फाइन करने का फॉर्मूला हमारा ये कोई भी टर्म अगर हमें फाइन करनी तो हम एन की जगह पुट कर दे रहे हैं फिफ्थ टर्म फाइन करनी है तो एन की जगह फाइव पुट किया टेंथ फाइन करनी है तो नाइन की जगह टेन पुट कर दिया ट्वेंटी फाइन करनी है तो एन की जगह ट्वेंटी पुट कर लिया तो हमें नाइन्थ टर्म फाइन करनी है तो हम यहाँ पे ए

तो अगर हमें नाइन्थ टर्म चाहिए तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए एट होनी चाहिए तो क्योंकि ए वन प्लस अगर नाइन्थ टर्म इस ए पी के अगर ये फर्स्ट वाले ए पी की नाइन्थ टर्म है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए वन प्लस एट डी वन आना चाहिए यहाँ ए टू प्लस एट डी टू आना चाहिए यानी कि इसकी वैल्यू हमारी किसकी इक्वल होनी चाहिए एट के इक्वल होनी चाहिए तो एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देखो दिस एम्प्लाइज इसके अकॉर्डिंग एन माइनस वन बाय टू हमारा क्या होना चाहिए एट होना चाहिए इसको हमने इससे कंपेयर किया नाइन्थ टर्म को लाने के लिए हमने इन दोनों को नाइन्थ टर्म को लाने के लिए यहां पे हमारा एट होना चाहिए तो हमने इसको एट के इक्वल कर लिया अब आप इसको सॉल्व करके देख लो आपकी एन की वैल्यू कितनी आ रही है वो इसमें पुट करोगे तो आपका रेशियो आ जाएगा तो एन माइनस वन टू को हम यहाँ मल्टीपल कर देते हैं एन माइनस वन इक्वल टू एट इंटू टू हो गया तो एन माइनस वन इक्वल टू एट इंटू सिक्सटीन हो गया माइनस वन इधर ट्रांसफर हुआ तो एन इक्वल टू सिक्सटीन प्लस वन तो दिस इम्पलाइज एन इक्वल टू हमारा हो गया सेवनटीन यानी कि एट टर्म बनाने के लिए यहाँ पर एट नंबर लाने के लिए आपको एन की जगह क्या पुट करना है सेवनटीन तो आप यहाँ पुट करके देखो यहाँ पे हमने 17 रखा तो 17 माइनस वन हमारा 16 हो गया 16 बाई टू हमारा यहाँ हो गया 8 सेम यहाँ पे भी यही हो जाएगा अब आपको मैंने आर डी शर्मा का क्वेश्चन कहा था ये देखो यहाँ पे आपको कोई नाइन्थ टर्म नहीं यहाँ पे आपको एम्थ टर्म फाइंड करनी है तो अब आप इसको वेरिएबल में ही रखोगे एम्थ टर्म फाइंड करनी है तो आप यहाँ पे क्या करोगे ये आपका एन माइनस वन है तो ये एम माइनस वन रहेगा तो एन माइनस वन बाय टू क्योंकि एम माइनस वन हमारा सॉल्व नहीं होता तो एन माइनस वन टू इक्वल टू हमारा एम माइनस वन हो जाएगा उसको सॉल्व करके हम एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे तो हमारा वेरिएबल था तो हमें वेरिएबल नहीं था नंबर था तो हमें नंबर मिल गया एन इक्वल टू हमारा सेवेंटीन हो गया अब आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपको एन दिख रहा है वहाँ आप एन इक्वल टू सेवेंटीन पुट कर दो तो ये हम इक्वेशन वन ले लेते हैं तो पुटिंग एन बहुत ईजी क्वेश्चन है बस ये आपको रिलेट करना समझ में आना चाहिए एन इक्वल टू सेवेंटीन इन इक्वेशन नंबर वन तो यहाँ पे हम इस तरह से इसलिए फाइंड करें क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन हमें गिवन है रेशियो हमें गिवन है हम ए और डी यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते अगर हम ए और डी फाइंड कर सकते तो हम डायरेक्ट रेशियो में यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं एन तो हमें पता ही है नाइन है ए वन डी वन और ए टू डी टू अगर हम यहाँ कैलकुलेट करके फाइंड कर पाते तो फिर हमें ये तरीका अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती हम सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व

हमने पुट किया सेवनटीन माइनस वन बाय टू डी वन डिवाइडेड बाय ए टू प्लस माइनस वन बाई टू डी टू इक्वल टू सेवन इन टू सेवन प्लस इन टू सेवनटीन प्लस ट्वेंटी सेवन हो गया तो ये हो गया ए वन प्लस माइनस वन हमारा सिक्सटीन हो गया और ये हो गया सिक्सटीन बाय टू डी वन हो गया ए टू प्लस सिक्सटीन बाय टू डी टू इक्ल टू सेवनटीन इंटू सेवन हमारा यहाँ पे हो गया वन वन नाइन प्लस वन और सेवनटीन इंटू फोर होता है हमारा सिक्सटी एट प्लस ट्वेंटी सेवन तो दिस इम्प्लाइज ए वन प्लस टू के टेबल में सिक्सटीन आया एट टाइम टू के टेबल में सिक्सटीन आया एट टाइम तो ए वन प्लस एट डी वन ए टू प्लस एट डी टू इक्वल टू वन वन नाइन प्लस वन हमारा वन ट्वेंटी हो गया और सिक्सटी एट प्लस ट्वेंटी सेवन हमारा यहाँ पे हो गया नाइन्टी फाइव हो गया तो दिस एम्प्लायज़ ये हमारा फाइव के टेबल से हम इसको कैंसिल कर देते हैं फाइव के टेबल में ट्वेल्व नहीं आता और ये आएगा टू टाइम और ट्वेंटी आया फोर टाइम फाइव के टेबल में ये आया वन टाइम और नाइन टाइम तो दिस एम्प्लायज जो हमारी ए नाइन्थ टर्म का जो रेशियो है वो हमारा हो गया ट्वेंटी फोर बाय नाइनटीन ट्वेंटी फोर बाय नाइनटीन दो हैं रेशियो ऑफ नाइन्थ

नाइन्टीन हो गया तो ये हमारा हो गया ये भी नाइन्थ टर्म का टर्म का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही आएगा ए वन प्लस एट डी वन जैसे हमारा यहाँ आ रहा है और यहाँ पे ए वन ए टू प्लस एट डी टू तो ये हमने रेशियो यहाँ पे फाइंड कर लिया तो एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए यानी कि रेशियो कुछ भी आए और आपको किसी भी रेशियो टर्म में किसी भी रेशियो का वैल्यू अगर यहाँ फाइन करना है तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू